देखिए आज का टॉपिक है हमारा मोरल कंसेप्ट। मोरल कंसेप्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका काफी मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जब तक आप उसका बेस नहीं समझिएगा समझ में नहीं आएगा। तो उसको बेस समझने के लिए पहले समझिए कि एक मोल कहते हैं किसको, ठीक है। अब जैसे कोई चीज है वन पेयर ऑफ शूज, वन पेयर ऑफ शूज मतलब कि पता चल गया यहाँ दो 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 है, ये वन पेयर मतलब दो पीस है ना। अब हमारा पता है डजन ऑफ डोनट्स, वन डजन का मतलब होता है 12 पीस। फिगर मत जाइए, इसका मतलब क्या होता है 12 पीस, मतलब ये 12 है और भी दिखाया जा रहा है। तो उसी तरह से वन ग्रोस ऑफ बनाना, वन ग्रोस का मतलब होता है 12 का स्क्वायर है ना, मतलब 144 पीस। तो 144 पीस को एक ग्रोस बोलते हैं, 12 पीस को वन डजन बोलते हैं, 2 पीस को वन पेयर बोलते हैं। उसी तरह से एक टॉपिक होता है एवोगैड्रो नंबर। तो इतना पार्टिकल्स जो है कुछ भी हो, इतना एटम्स हो, इतना आयन्स हो, इतना मॉलिक्यूल्स हो, इसको बोलते हैं वन मोल, ठीक है। जैसे 12 को एक डजन, 12 पीस कोई भी चीज है तो एक डजन है, 2 पीस है तो वो पेयर है, वन पेयर है, 144 पीस है तो वन ग्रॉस है। उसी तरह से 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, मतलब एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स कुछ भी है, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, कुछ भी हो, एक एवोगैड्रो नंबर कुछ भी है उसको क्या बोलेंगे, एक मोल। और एक मोल का कुछ भी मास होगा तो उसको मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास, ये समझ में आना है, आपको आगे समझेंगे, है ना। एक मोल का हम लोग समझ में आ गया कि एक मोल किसको बोलते हैं, नेक्स्ट तो एवोगैड्रो नंबर किसको बोलते हैं, यही इतना पार्टिकल्स को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। कोई भी चीज का इतना पार्टिकल्स, एवोगैड्रो साइंटिस्ट है तो इनके नाम पे एवोगैड्रो नंबर दिया गया था कि इतना पार्टिकल्स जो है एक मोल के बराबर होता है और ये पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो कितना साल लगेगा एक मोल ऑफ मनी खर्चा करने के लिए, अगर आप पर ईयर 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं तो बताइए, एक साल में आप 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं तो एक मोल पैसा खर्चा करने में कितना लगेगा, आपको बताए हैं। आपको देखिए कितना आपको पता है, 6.022 × 10²³ एक मोल होता है, कितना मनी, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो एक मोल पैसा है आपके पास, तो आप बताइए आपके पास एक साल में कितना खर्चा कर रहे हैं, 100 करोड़। 100 करोड़ हम वन ईयर में कर रहे हैं, ये 10^10 कितना आएगा बताइए, 1 करोड़ 10^10 कितना होता है, 7 है ना, लाख होता है 5 लाख 10 लाख करोड़, तो 7 और ये 2 अलग से है, तो 10^9 आप खर्चा कर रहे हैं एक साल में। और आपके पास कितना जाना है, तो आपके पास जाना है पॉइंट में हटा दीजिए, अप्रोक्स में 6 लेते हैं, ठीक है, 10^23 जाना है, तो भाई 10^9, 18, 27 दो साल से ज्यादा जाएगा आपका, है कि नहीं, खाली एक को जाने के लिए। तो आपको साल कैसे पता चलेगा, 6 × 10^23 / 10^9 ये इससे पता चलेगा कि आपको कितना साल लगेगा, जितना भी साल लग जाए, क्योंकि एक साल में इतना टोटल आपके पास पैसा है, इतना इतना पैसा डिवाइडेड बाय इतना पैसा बराबर नंबर ऑफ इयर्स, तो ये 10^23 है, ये 10^9 है, 6 × 10^23 − 9, क्योंकि पावर जब होता है बताया है आपको साइंटिफिक नोटेशन में, डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, तो 6 × 10^14 इयर्स लगेगा आपको खर्चा करने में, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब है एटॉमिक मास, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको याद रखने के लिए आपको बताए थे, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का आपका डाटा इसमें दिया हुआ है जो आपको याद रखना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट वाला भी आपको अलग से छांट के दिया गया था, है ना, लेकिन फर्स्ट 20 तो आपको याद ही रखना चाहिए, जिसमें से देखिए एल्यूमिनियम याद रखिए, सोडियम याद रखिएगा, सोडियम का 23 होता है, और फर्स्ट 10 तो सबको लगभग याद रहता है, दुगना रहता है अप्रोक्स, है ना, और अल्मोनियम याद रखिएगा, फिर आपका फॉस्फोरस याद रखिएगा, सल्फर याद रखिएगा, क्लोरीन याद तो रखना ही है, आर्गन से ज्यादा पोटेशियम याद रखना है, ठीक है, और कैल्शियम याद रखना है, ठीक है। अब है हमारा मोलर मास, एक मोल जो होता है उसका जो मास होता है वो फॉर्मूला मास, न्यूमेरिकली फॉर्मूला मास के बराबर होता है, और ऐसे मोलर मास बोलते हैं। कोई भी एक मोल एटम, मैंने आपके पास 6.0223 एटम्स का जो मास है वो एक मोलर मास का बराबर है, ठीक है, मोल से आया है। तो न्यूमेरिकली जो एटॉमिक स्पीशीज के लिए हम लोग मोलर मास और एटॉमिक मास
इक्वल लेते हैं मॉलिक्यूलर स्पेसिस के लिए मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेते हैं, अच्छा है ना, जो एटम का मान है एटॉमिक मास के बराबर लेंगे, मोलर मास मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर का मान ले लेंगे। तो मोलर का मतलब हो गया कि वो एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स का मास है, पार्टिकल जो भी हो, है ना। ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, उसी चीज में ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं कि एक मोल एटम अगर ग्राम में ले लेंगे तो उसको हम लोग मोलर मास भी बोल सकते हैं। अगर वही चीज को हम ग्राम में लिख दिए तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास है। कहने का मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का चाहिए, मास एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम है, अगर आगे ग्राम लिख दिए, ग्राम पर मोल लिखते हैं ना हम लोग, तो वही है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास चाहे मोलर मोलर मास भी बोलते हैं, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, एक मोल का जो ग्राम में लिखेंगे तो हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो ग्राम में लेंगे तो मोलर मास बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, है ना। जैसे मॉलिक्यूल सबका इसका है सबका, हम लोग एक मोल मास ऑफ एक मोल बेंजीन चाहिए, कार्बन 6 है हाइड्रोजन 6 है 78 ग्राम, है ना, तो 78 ग्राम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, सब एक मोल चल रहा है ना। अब कुछ क्वेश्चन बताइए, ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ग्राम, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास से नहीं होता है, सल्फर का 32 हो जाएगा, है ना, ग्राम में रहना चाहिए, आ गया बस, अरे यूनिट ग्राम है। CO2 में 12 और ऑक्सीजन में 32, 32 12 44, बी ऑप्शन। फिर बताइए H2SO4 का, ये सब याद रखिएगा, 98 होता है, ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इतना ही आज भर, ओके, थैंक यू।